संतों का सानिध्य जब प्राप्त हो तो व्यक्ति श्रद्धालु बनकर संतों के चरणों में निवेदन लेकर आता है। आज मैं एक श्रद्धालु की भूमिका में आप सभी संत श्री के चरणों में दो निवेदन प्रस्तुत करने का दुस्साहस करना चाहती हूँ। इस मंच की शोभा बढ़ाते वंदनीय मोहन जी, आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी, हरियाणा मुख्यमंत्री, आज स्वामी जी ने सभी को प्रेरित किया कि समरसता के भाव से शिक्षाविद हों, चिकित्साविद हों अथवा जनप्रतिनिधि हों, वो गीता की प्रेरणा से हमारे अलग अलग क्षेत्रों में संस्कार का, गीता के मूल स्वभाव का और साथ ही कर्मयोगी बनने का एहसास जन जन में फैलाएं। जो गीता को थोड़ा बहुत समझा है उसने जाना है कि गीता में ही इस भावना को सम्मिलित किया गया कि महिला का सम्मान करना, संरक्षण करना ना सिर्फ कर्तव्य है बल्कि धर्म को स्वयं परिभाषित करता है। आज मैं संतों के चरणों में ये निवेदन करती हूँ कि एक तरफ हम शिक्षाविदों से आग्रह कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ संतों के चरण पड़े वहाँ वहाँ महिला के प्रति सम्मान और महिला का संरक्षण ही महत्वपूर्ण भाव समाज में परिवारों के सम्मुख आदेश हेतु संत अपनी वाणी से इसका उच्चार करें। स्वामी परमात्मा जन जी ने फेथ और रिलीजन की इस मंच पर बात कही और कहा कि गीता का अध्ययन करना चाहिए। हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री श्री ने कहा कि संतों के सामने श्लोक का उच्चारण करना हिमालय चढ़ने जैसी बात है, और दुस्साहस तब करता है व्यक्ति जब संत माता पिता की भूमिका निभाते हैं। और अगर प्रेरणा प्राप्त करनी है जीवन में तो जैसे खट्टर साहब ने कहा वैसे ही प्रेरणादायक श्लोक जो परमात्मानंद जी ने उच्चारण हेतु मुझे जिसमें मार्ग प्रशस्त करवाया, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धम लभते नर, स्वयं कर्म करें समाज के प्रति, परिवार के प्रति, लेकिन शुद्ध मन से करें, इसी से लाभ मिलता है। संतों के जहां चरण पड़ते हैं वहां श्रद्धालु आते हैं ज्ञान का भंडारा पाने के लिए, साथ ही प्रसाद ग्रहण करने के लिए। इसलिए आज समाज में हम कुपोषण की जिस चुनौती से लड़ रहे हैं उस कुपोषण की चुनौती से लड़ने के लिए गर्भावस्था में बहन का और नवजात शिशु का पोषण अच्छा हो, महंगा ना हो बल्कि जो आसपास गांव में मिलता हो, छोटे शहरों में मिलता हो, और स्वच्छ माध्यम से और श्रद्धालु मन से बनाया जाता हो, अगर ये संस्कार भी हम श्रद्धालुओं को दें तो मैं अनुग्रहित होंगी। स्वामी जी, आज आपने इस मंच पर संतों के साथ, हमारे वंदनीय मोहन जी के साथ, दीदी के साथ बैठने के लिए मुझे उचित माना, आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। जय हिंद, जय भारत।